गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई एम हेमराज एंड नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एज यूजुअल वी आर गोइंग टू कॉलेज और अभी जो हवाएं चल रही हैं वो काफ़ी तेज चली हुई हैं। शाम को इतनी बारिश थोड़ी ठंड है, इसलिए शाम को इतनी बारिश तो इसीलिए थोड़ी ठंड हो गई है। ऐसा लग रहा था कि मौसम चेंज हो रहा है और दैट ठंड इज़ गोइंग, है ना, मतलब जा रही है ठंड। यही वो अंग्रेजी वाला कि डॉगी स्टाइल लाइफ इज आर विदाउट इंटरनेट, तो उसी तरह से मैं भी सोच रहा था कि ठंड इज़ गोइंग बट इट इज़ नॉट गोइंग, इट इज़ स्टिल स्टैंडिंग इन आवर लाइफ। सो अभी जा रहे हैं कॉलेज और मिलते हैं कॉलेज में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ और करेंगे उनके साथ फिर से वार्तालाप, और उसके साथ हम क्या करते हैं डेली लाइफ में वो बताएंगे आपको। मेरा जो ब्लॉग बनाने का मोटिव होता है कुछ तो यही होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको जिनका जो टीचिंग में इंटरेस्ट है उसको इवॉल्व करने के लिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ। टीचिंग उनका काफ़ी नोबल प्रोफेशन है, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, आप सभी इंजॉय करेंगे अगर आप दिल से चाहते हैं कि आप टीचर बने। तो दोस्तों मिलते हैं कॉलेज में, नहीं तो मैं फ़ोन के साथ उठ जाऊँगा। कौन कहता है कि टीचिंग जो है आसान विषय है, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। दोस्तों बारिश हो या धूप हो, हमें काम करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी हवा रुकी है लेकिन ये कभी भी बारिश हो सकती है, मुझे भागना पड़ेगा दोस्तों। सो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। हेलो गाइस, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आजा तू है प्यार। अरे मेरे पास खाने को लिए नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ भी हो बहुत ही मज़ेदार। काफ़ी खूबसूरत है। ओ ये कीड़ा हो गई, ये कीड़ा हो गई, ये गलत काम है, ये गलत काम है। ओ देखो ये देखो, ये गलत काम है भाई, ये मत करो, ये मत करो। नो डाउट थिंग्स, माय ब्लॉग इज फैमिली ब्लॉग। मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। गाइस मैं लेट हो चुका हूँ, भाग रहा हूँ। सो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होता है जब लेट हो चुके हो एज ए टीचर, आपको बहुत ही पंक्चुअल होना पड़ता है लाइफ में। सो दोस्तों अभी मैं बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ। एज ए टीचर आपके लिए ज्ञान की बात कि आप पंक्चुअल रहें और खाना खुना टाइम पे बनाएं, नहीं तो आपको मेरी तरह भागना पड़ सकता है। और पंक्चुअलिटी पहला रूल होता है टीचिंग का, ठीक है। सो मिलते हैं कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ। गाइज हमारे साथ हैं बीएड के विद्यार्थी और हम इनसे आज वार्तालाप करेंगे। सो मिस लीना नहीं, मिस यार कौन, हेमा, मिस हेमा कैसा महसूस कर रहे हैं? सो हमारे साथ हैं बीएड के नए विद्यार्थी, इनको भी आज मैं फेमस करने वाला हूँ। ऑलरेडी फेमस है, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर है, मुझे फॉलो कर देना। इस लड़की की आईडी बता दो। इस लड़की को अपने फॉलोअर्स का घमंड है। कितने फॉलोअर्स हैं मैम आपके? अच्छा एटीट्यूड है, घमंड। कितने आपके फॉलोअर? नहीं मेरे बहुत कम है, तभी तो मैं मांग रही हूँ आपसे फॉलोअर, तभी तो ये मेरे चैनल पर आए फेमस होने के लिए। और मैम बताइए आप बीएड में कैसा महसूस है? अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले मुझे बड़ा अजीब सा लगता था यहाँ, अकेला। अब दोस्त बन गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये संदेश देता है कि हिमाचल की एकता का, जैसे मैम किन्नौर से हैं, आप मंडी से हैं, आप कुल्लू से हो, तो और ये मैम मंडी से है और चंबा से। सो हिमाचल की एकता का एक छोटा सा यूनिट बोल सकते हैं ना, इकाई आपको जीसीटी धर्मशाला में मिल जाएगी। सो गाते हैं इन सभी से। शालिनी मैम बताओ ना कि आपको टीचिंग एज ए प्रोफेशन कैसा लगता है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनको पढ़ाना, उनसे भी सीखना साथ में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कई लोगों से बात करता हूँ कि वो बोलते हैं वी आर हेयर बाई चांस नॉट बाई चॉइस। सो ऐसा आपको क्या लगता है, आप बाई चॉइस हो यहाँ पर या बाई चांस हो? चॉइस तो थी वैसे टीचिंग मेरी, पर फिर क्या बोलूं,
मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखना बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मेरी बारी आई थी तो मैंने अच्छे से लिख लिया था। अच्छा मैम, चॉइस है यहाँ पर या बाय चांस? तो आप कैसे हैं? बाय चॉइस ही आई हूँ, यहाँ से ना करती तो कहीं और से तो करती मैं। लेकिन यहाँ पे अगर और से करती तो हमारे जो आपके जो इतने अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं वो नहीं होते ना। जैसे अब मेरा, जैसे आप अब मेरे ब्लॉग में आ जाओगे और उसके उससे आप फेमस हो जाओगे और मैं बोलूँगा कि लीना, कौन है नाम क्या आपका इंस्टाग्राम पे? लीना ठाकुर नहीं, मोस्ट स्टाइलिंग क्या? वो पहले रखा था मोस्टली सीन करके। हाँ अभी क्या है? अभी बस नाम ही है। सो लीना ठाकुर हैं, उनको फॉलो करें गाइस। ये आपको वहाँ पे, हाँ मैम, मैम यार आप बहुत ही टैलेंटेड हो, टैलेंटेड हो। जैसे मान लो आप अपने शायरी खुद लिखते हो? शायरी अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया, बस बोलना ही स्टार्ट किया फिलहाल तो। अब थोड़े मैं लिखना भी, लेकिन काफ़ी अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएटेड। देखो जी सी टी धर्मशाला में आपको मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिलते हैं, जैसे आर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स मैंने कहीं देखा, पेंटिंग कहीं अच्छे बनाते हैं। तो मतलब पेंटिंग हेमा बनाती बहुत अच्छी, हेमा मैम बनाती हैं, मेरी बना देना मैम। हम भी लाइन में बैठे हैं। मोस्ट अनटैलेंटेड गाय इन द GCT धर्मशाला। पेपर को भी बिना पढ़े आते फिर मैम से पूछने होते, वो लगे हुए कि इसका मैम इसका वो हिंट दे दो मुझे, क्या पूछा था आपने? हेडिंग बताओ, हेडिंग बताओ। अभी तो मैम मुझे ऐसा सुनने में आया था, क्या पूछा आपने? ठीक है। हाँ हमारे फूल बहुत अच्छे हैं, जोर से। इनके पीछे हमने बहुत मेहनत की है, आपको दिख रहा होगा कि हमारी मेहनत कैसी है। और कोई हमने यहाँ से सब कुछ क्या करते हैं, पानी पूरी दिया था, उसके बाद ये सब ने यहाँ पर कलमे कुलमे ग्राफ्टिंग वगैरह की थी। और मुझे ये बहुत अच्छी, ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। सेशन बोलते सेक्शन 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 सॉरी थोड़ा होते हैं सरकार की तीन अंग कौन कौन से होते हैं? सरकार के अंग, विधान विधायिका, इसको हम विधान पालिका भी बोलते हैं, और कार्यपालिका, एंड लास्ट थर्ड पार्ट होता है न्यायपालिका। सो हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। हो गया, वो लागू हो गए हैं, अब उनकी वैधता की जांच कौन करेगा? वो करता है न्यायपालिका। हम जो है उनको कोशिका के बेसिस पे दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास एकल मोशी जीव, सो गाइस अभी हम करके आए हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग प्रैक्टिस। और हमारे हाय गाइस, अभी मैं अपनी ब्लैक बोर्ड राइटिंग करके आ रहा हूँ। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ सर आपको? वो पिछली बार से काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। पिछली बार तो वैसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, इस बार थोड़ा बिल्कुल अच्छा हो गया, साफ साफ कुछ चीज़ें थी, बाकी तो ठीक था सब। बाकी सर आपकी नहीं है क्लास अभी? अभी मैं करके आया हूँ प्रैक्टिस। आपका कैसा रहा फिर? मैं वीडियो डाली उसकी, इसमें देख लेंगे लोग। काफ़ी अच्छी, मतलब ठीक था, पहली बार लिखा था, थोड़ा अलाइनमेंट नहीं बन रहा था, लेकिन ठीक है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो हमारे देवेंद्र ठाकुर सर, देवेंद्र उमर जी आ रहे हैं। देवेंद्र उमर जी, ये है कटरीना का देवेंद्र उमर जी। अखिलेश सर आ गए हैं प्रैक्टिस करके। अखिलेश सर, कैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर, एंजॉय किया। प्रैक्टिस नहीं हुए? प्रैक्टिस करेंगे सर, स्कूल में ही, डायरेक्ट मई में। आप बताओ सर, आप नहीं गए क्लास में? अटेंड तो करके आया, अभी आया, जस्ट आया। ठीक है सर, ओके बाय। मेरे सब्सक्राइबर को बोलो सब्सक्राइब करें चैनल। सब्सक्राइब आपको हम शाउट आउट देंगे, इंस्टा में कर देंगे आप। ओके थैंक यू सर। गाइस अभी मेरे 2000 व्यू हो गए हैं एक ही वीडियो पर, और मैं इसका जश्न मनाने के लिए अपने दोस्तों को खिला रहा हूँ 40 रुपए की चॉकलेट। और मुझे आ रहा है बहुत ही मज़ा, ऐसा लग रहा है कि मैं दान दे रहा हूँ बहुत बड़ा। सो दोस्तों, भिखारी थोड़ी है साड़े? नहीं भिखारी नहीं हो आप लोग, लेकिन फिर भी मेरी खुशी से दे रहा हूँ। तो सुनो, सो दोस्तों ऐसे ही
ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। आज मेरी ओरियो का चॉकलेट की है, आपका सपोर्ट रहा। अरे मामा चेक करें थैले गाइस, आज मेरी भाई आप क्या मांग पत्र लेके गाइस मेरी हालत तो खत्म हो दो। फिर ये का चॉकलेट खिलाने की है आपकी, आपकी आपका प्यार बना रहा तो मैं कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें खिलाऊंगा अपने दोस्तों को और आपको भी इनवाइट करूंगा, ठीक है। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और बने रहें नोविस ब्लॉग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।